नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं बताने जा रही हूँ, गेहूँ पिसवाते समय तुलसी केसर का यह एक छोटा सा उपाय है जो इससे आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब आप मित्रों गेहूँ पिसवाने जाते हैं तो तुलसी की 11 पत्तियाँ उसमें डाल दीजिए और केसर की 2 पत्तियाँ उसमें मिला दीजिए, फिर जाइए गेहूँ पिसवाने। इस उपाय से मकान में दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी। और आप जो ये उपाय करें तो सोमवार और शनिवार को जरूर करें, क्योंकि सोमवार और शनिवार को ही ये उपाय करना जरूरी है। काफ़ी लोगों की यह परेशानी है कि वे कमाते तो बहुत सारा है लेकिन बचत नहीं होती, या हम आपके उपाय करते तो कोई लाभ ही नहीं होता है। पर आप जब विश्वास के साथ करेंगे तो एक ना एक दिन लाभ होगा ही। यदि आपके साथ बहुत लोगों को लाभ भी हो रहा है, बहुत लोग ऐसे शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन आप करते रहें तो फायदा भी होगा। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो यहाँ बताए जा रहे उपायों से आप जरूर लाभान्वित होंगे। झूठे मुंह, बिना हाथ पैर धोए कभी भी गाय, ब्राह्मण और अग्नि को छूना नहीं चाहिए। जैसे मित्रों, आप झूठे मुंह, आपने खाना खाया भी, कुल्ला भी किया नहीं है और जाके आप गाय को खाना खिलाने चले गए, या हाथ पैर भी नहीं धोए हैं आपने, और ब्राह्मण को भी इसी तरह से आपने बिना कुल्ला किए जो है वो जा कर के आप खिलाया है या कुछ दिया है, दान करिया है। अग्नि को भी, अग्नि में भी बिना कुल्ला किए बिना नहाए धोए आप अग्नि को छू रहे हैं। तो ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अग्नि को बिना नहाए धोए नहीं छूना चाहिए। तो वही बात है कि ऐसा करने पर पाप में बढ़ोतरी होती है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई सही बात है, हमें ये सारे काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो आगे जो बाधाएं आती हैं, जैसे आपके बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आप उससे पूछते हैं कि मेरा ये हो गया है वो हो गया, तो यही सब कारण होते हैं मित्रों। अगर आप ये सारे काम अच्छी तरह करें तो आपको लाभ होगा। और दूसरा भी ये बताने जा रही हूँ कि किसी काम में सफलता चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि उन्नति हो मेरे काम में, तो मकान से निकलने से पहले एक रोटी भी साथ में ले जाएं। रास्ते में जहाँ भी वहाँ कौवा दिख जाए तो वहाँ रोटी के छोटे टुकड़े टुकड़े करके डाल दें। इससे सफलता मिलने की, उन्नति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं मित्रों, तो रुकावटें नहीं आएंगी लाइफ में। या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये सब नहीं होगा। तो घर की या मकान की उत्तर पश्चिम दिशा में मिट्टी के बर्तन में सोने चांदी के सिक्के डाल कपड़े में बांध कर रखें, फिर बर्तन को गेहूं या चावल से भर दें। इस उपाय से मकान में जो आपके देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। जैसे आप मकान में रह रहे हैं तो उसमें क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा है, तो मिट्टी का एक बर्तन ले लें, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा ले लें, ये छोटा सा ले आए आप बर्तन मिट्टी का, तो उसमें सोने चांदी के सिक्के डाल दें और लाल कपड़े में बांध भी दें उसे, आप डाल करके सोने चांदी के सिक्के, फिर उसमें गेहूं भी भर दें, गेहूं या चावल भी भर दें। तो क्या होगा कि इस उपाय से घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ मित्रों कि आप ये भी काम करें कि यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है तो मंगलवार को आप शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाएं। दाल चढ़ाते समय ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जप करें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो ऋण मुक्त हो जाएगा। तो मंगलवार को जरूर जाइएगा शिव मंदिर में और वहाँ जाकर मसूर की दाल चढ़ाइए और एक मंत्र जरूर पढ़िए, उसमें लिखा हुआ मंत्र में कि ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। तो इस प्रकार से आप अपने कामों में सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।